सवा घंटे और अभी आपके बीच में वरना सवा घंटा में तो लोग आ ही जाते हैं धीरे धीरे, और फिर 11 बजे गए हो। 2 घंटे के बड़े प्यार से लोग बैठते 2.5-3 घंटे तक, लेकिन मैं आपको कह दूं हरि व्यापक ऐसी बात नहीं कि हरला में 5 दिन के बाद ये पांडाल मिलेंगे। मिलेगा क्या भैया कुंदन जी? 5 दिन के बाद जो है पर कथावाचक, चाहे वो राघव जी हो या मैं हूं कीर्तनकार कथावाचक, हम लोग आज यहाँ हैं तो कल हम बोले ना, कल भी चर्चा, अभी से 27-28 अप्रैल तक जो हो आनंदिया में हम लोग रोज लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। भगवान के ऊपर तू करना क्या चिंता, मेरी चिंता आपके ऊपर। भगवान साहब कहते बेटा तुम मेरे बारे में सोच या ना सोचो, लेकिन मुझे तो तेरे बारे में सोचना ही होगा ना। 1 महीने का बेटा, 5 महीने का बेटा कभी कोई माँ से कहता है कि माँ मुझे दूध पिलाओ? आप पिलाती हो कि नहीं अपने मन से? तब भगवान कहते हमें चिंता, भक्त कहते कि सरकार हमें चिंता नहीं तेरी, लेकिन तुझे चिंता हमारी। कथा कहने वाले सुनो या ना सुनो, लेकिन वो बेचारे लगातार सुना रहे हैं, सुनो या ना सुनो, कब तक तो सुनोगे, कान तो बंद ना कर लोगे ना, लाइए। लेकिन हाँ भैया एग्जाम्पल तो देने पड़ते हैं। एक लड़का एमए कर लिया था, क्या कर लिया था? एमए, बड़ा पढ़ ली थी, डिग्रियां प्राप्त कर ली थी, और जब डिग्रियां प्राप्त करके एक देहात में लौटता है ना कोई, एक दो पढ़ा लिखा अब तो घर घर पढ़ने लगे, पहले एक दो पढ़ते थे ना, बाप रे बाप पता है अरे वो एमए करके आ रहा है, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बाप रे बाप दिल्ली में पढ़ता, हाँ आ रहा था बेचारा घर। बड़े ध्यान से सुनेंगे, और जब वो घर आने लगे तो बीच में एक नदी मिलती थी घर आने से पहले, तो घर आने से पहले जो नदी मिलती थी उसमें बाढ़ थी, पानी भरा हुआ था। अब जावे तो कैसे जावे? नाविक को बुलाया, भैया नाविक जरा इधर आना। तो हाँ सर, बोलिए जी क्या बात है? क्या देख रहे हो मेरे स्टाइल को, देख रहे हो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ? हाँ भैया लग तो रहे, कहिए क्या करूँ आपकी सेवा? का मुझे नदी पार कर दो, कर दूंगा महाराज, मेरा तो पैसा है नदी पार करना। आइए नाव पर बैठ गए, वो लड़का पढ़ा लिखा नौजवान बड़ा घमंडी था, लेकिन जब थोड़ी दूर आगे नाव गई ना तो लड़का पूछ दिया, रहा नहीं गया, कहे नाविक सुन मेरी बात, जो मैं कहता हूं पढ़े लिखे हो सच सच बोलना। नाविक ने कहा बाबूजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, हम गरीब परिवार से, मेरे पिताजी स्कूल फी नहीं दे पा रहे थे, मैं पढ़ूंगा कहां से? करे नाविक पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरी आधी जिंदगी बर्बाद है, शिक्षा के बगैर तेरी आधी जिंदगी, तेरी आधी जिंदगी बेकार है, व्यर्थ है, जब तूने शिक्षा ग्रहण नहीं की, पढ़ाई नहीं की।
नाविक बेचारा सर झुका दिया कि सच कह रहा है, शिक्षा नहीं, इसलिए ना ये बोल रहा है कि पढ़े लिखे नहीं तो आधी जिंदगी बर्बाद। लेकिन नाव जब बीच नदी में गई और बाढ़ जब उफान मारा और नाव जब हिलने लगी, नाविक ने पूछा, अरे नौजवान भैया तैरने के लिए जानते हो कि नहीं? का नहीं, का हम पढ़ने नहीं जानते हैं और तुम तैरने नहीं जानते हो। हम पढ़ने नहीं जानते तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद है और तुम तैरने नहीं जानते आज तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो कहे कि हम घर से सुन रहे थे तो उनकी आधी जिंदगी बर्बाद है और जो यहां आकर के ना सुने उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद है। प्यारे ये कोई कहानी नहीं, कथा पर ध्यान दो। पांडाल आ जाए और मजा ले आप केवल मेले का तो फिर यज्ञ का माने क्या रहता है। इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद होने ना दे। आखिरी रात में मेरी कह के जा रहा हूं, आओ बैठो कथा सुनो, यहाँ की कभी उधर घूमो कभी इधर घूमो कभी एक एक कचौड़ी पकौड़ी घूमनी, ये तो घर में भी खा लोगे लेकिन ये बार बार आपके बीच कथा वाचक कीर्तनकार या व्यास लोग नहीं आएंगे आपको कथा श्रवण कराने के लिए। ये चलो श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णाय वयं नमः। चलिए हम आपको शंकर भगवान बाबा बैद्यनाथ धाम ले चले बैठे बैठे। और एक चीज और बता दूं, मेरा कहना ये व्यंग्यात्मक ना समझेंगे, नियम जो है कीर्तन भजन में प्रेमियों को शांत रहना चाहिए और जो इधर उधर यूं ही खड़े हैं उन्हें बैठ जाना चाहिए। तो कथा कथा कीर्तन बैठ करके सुनने की चीज है। हाँ, हालांकि ऐसा भी होता है बैठने के लोगों को कहा जाए तो वो भागना शुरू कर देंगे ना, हमको बैठेंगे लेकिन बैठ के ही आनंद ले तो कथा वाचक को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ एक से बैठे। तो चलिए हम बाबा बैद्यनाथ हम चलते हैं, सब लोग बड़े प्यार से बाबा बैद्यनाथ को याद करें। बोले हरे हरे महादेव, झारखंड के हो भगवान बिहार में की झारखंड में देवघर नहीं उनका मंदिर का झारखंड में, फिर झारखंड के होकर के और उनके बारे में जय हो। अरे कम से कम थोड़ी उनको लगे कि हाँ झारखंडी होने का भी उनके थोड़ा सा एहसास। क्या किया जानते हैं? बाबा भोलेनाथ ने बैद्यनाथ ने आपको बहुत बड़ी चीज दी है, शायद आपको पता ना हो। और वो क्या दिया जानते? आप लोग जो ये मोबाइल अभी चला रहे हैं ना, इसमें भी रोमिंग फ्री वही करवाए थे आपको झारखंड और बिहार से।
अब भले रोमिंग फ्री हर जगह हो रही है दूसरी बात, लेकिन रोमिंग फ्री कैसे हुई आपको सबको पता होगा कि मैंने देखा एक अजूबा साल 2000 में, बाबा रह गए झारखंड में तो गंगा रह गई बिहार में। बिहार में शंकर समझते हैं कि जब तक बिहार से मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो गंगा तो वहीं से आएगी ना, गंगा जल तो वहीं से आएगा, इसलिए गए रोमिंग फ्री। कभी भी बिहार और झारखंड में रोमिंग नहीं चला शुरू से। इसी प्यारे प्यार से बोल पाला बद्रनाथ की। श्री कहाँ गए ऑपरेटर साहब? श्री राधे हरिओम हरिओम आइए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अरे प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। किसी ने पूछा कि यदि लोग भगवान को ढूंढे तो कहां मिलेंगे, तो जवाब मिलेगा भागवत में जब आप जाएंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है कि ना हम बसावे बैकुंठे योगी राम हृदय विचार। हम बसावे बैकुंठे, भगवान बैकुंठ में रहते
भगवान का नहीं करो नारद जी, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? मंदिर में रहते हो? करना कि ना हम बसाने बैकुंठ योगी ना हृदय कम्मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्रैव तिष्ठामि नारद। अहम तत्रैव तिष्ठामि यत्र मम भक्ता मम गुणानुवादः कुर्वन्ति। जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे गुणानुवाद करते हैं मेरा वही स्थान है। इसलिए राघवेंद्र सरकार तो हनुमान जी से का मेरे आदेश के बगैर जब पत्ता तुम कहते हो नहीं हिलता है तो तूने एक बहुत बड़ी भूल की।